अंदर ये ऐसे जाके लॉक हो जाएगा। ठीक है, ठीक। इससे पहले आपने माइक्रोवेव कभी यूज किया है? नहीं, पहली बार ही तो है। इंडक्शन यूज किया है? हाँ, इंडक्शन तो है। ठीक, तो आपको यूज करने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ पे। एक टाइप का ये गैस ही होता है, समझ लीजिए। ठीक, बट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम गैस की तरह खाना नहीं बना सकते। ठीक, इसके अंदर हमको ऑयल फ्री खाना बनाना है, और ऑयल फ्री खाना ही इसके अंदर बनता है। अगर आपको ऑयल पसंद भी है तो ब्रश आता है, हल्का सा ब्रशिंग कर दीजिए बर्तन में और उस पे मटेरियल पे। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे एक स्टॉप और क्लियर का बटन है और एक स्टार्ट का बटन है। तो ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ प्लस 30 सेकेंड, ये है क्विक स्टार्ट। मतलब अगर हम इसको एक बार स्टार्ट का बटन दबा देंगे तो माइक्रो मोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ गर्म करने के लिए ऑन हो जाएगा और 30 सेकंड के लिए वर्क करेगा। अगर इसी को हम दोबारा तुरंत प्रेस कर देंगे तो 30 सेकंड उसमें प्लस हो जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो 30 सेकंड और प्लस हो जाएगा, फिर एक एक मिनट करके प्लस होता रहेगा, फिर 5-5 मिनट करके होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे चला सकते हैं। ठीक है, और ये स्टॉप और क्लियर का बटन है। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, कोई प्रोग्राम इसमें चल रहा है, अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो माइक्रोवेव पॉज मोड पे चला जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम वॉश हो जाएगा। इसको प्री हीट करने की भी जरूरत पड़ती है? हाँ, बताएंगे आगे। ठीक, अब हम चलते हैं इसके मोड्स की तरफ। चार मोड्स हैं, सबसे पहला माइक्रो, दूसरा ग्रिल, तीसरा कन्वेक्शन और चौथा कॉम्बिनेशन। ठीक है, माइक्रो में क्या होता है, रीहीटिंग होती है, कुकिंग होती है और बॉइलिंग होती है। अगर हमको कुकिंग, बॉइलिंग और रीहीटिंग करनी है तो हम माइक्रो से चलाएंगे। जैसे ही माइक्रो का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे 900 लिख के आ जाएगा, ये इसके वोल्टेज है। ठीक है, और पावर लेवल भी इसको बोल सकते हैं और वॉट भी बोल सकते हैं, जैसे इसमें इंडक्शन में शो होता है, जैसे इंडक्शन में होता है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसके वोल्टेज कम करना है, पावर लेवल कम करनी है। तो हम एक बार प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा, 720 वॉट पे आ जाएगा और 80% पावर, मतलब एक बार में 20% पावर लेस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम एक बार और प्रेस करेंगे तो 20% पावर और लेस हो जाएगी, 540 वॉट पे आ जाएगा। ठीक, 360, 180, ठीक है, फिर 980 से नीचे नहीं जाएगा। हाँ, यानी कि एक बार में 20% पावर घटेगी तो मिनिमम 20% पावर ही बचेगी। ठीक है, ये क्यों बता रहे हैं, जैसे कि आपको कुकिंग करनी है तो वो तो 900 वॉट पे होगी, लेकिन अगर कुछ कोई चीज बॉइलिंग करनी है तो उसके लिए हमको वोल्टेज कम करने पड़ेंगे, यानी कि पावर लेवल को घटाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर रीहीटिंग ही करनी है तो उसके लिए भी हमको वाटर लेवल सॉरी पावर लेवल घटाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे कि हमारा ये रेसिपी बुक है, ठीक है, तो इसमें से देख के अगर कोई रेसिपी हम बना रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, जैसा कि इसमें बता रहा है, मान लीजिए ये टोमेटो सूप की रेसिपी है, इसमें आपने इसने ये बोल रहा है यहाँ पे 100% पावर पर एक मिनट तक माइक्रोवेव करें। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइक्रो दबाया, ठीक है, ये 100% पावर है। अब यहाँ से हम टाइम डालेंगे 10 सेकंड, 1 मिनट और 10 मिनट। इसने कितना बोला है, 1 मिनट बोला है, तो हमने 1 मिनट यहाँ से लगाया है, देन स्टार्ट करना है। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो 1 मिनट के लिए 100% माइक्रोवेव 100% पावर पर रन करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर इसी में थोड़ी देर थोड़ा आगे चलने पर ये बता रहा है, ये देखिए 80% पावर पर 4-5 मिनट तक माइक्रोवेव करें। ठीक है, तो हमको 80% कहाँ से करना है, 100, एक बार में 20% कर दिया तो 80%, अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, स्टार्ट। ठीक, तो हमारा ये पावर लेवल और वॉटेज, इससे हम माइक्रो के बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रिल। ग्रिल में होता है ब्राउनिंग, वन साइड ब्राउनिंग होगी, ठीक है, और या फिर अगर उसको ज्यादा टाइम के लिए चलाएंगे तो वही चीज क्रिस्पी हो जाएगी, मतलब हल्का सा भुन भी जाएगी और कुरकुरी भी हो जाएगी। तो ग्रिल के लिए हम ये रैक देते हैं, ठीक है, हम ये रैक ग्रिल में यूज, स्टील का है या किस चीज का है ये, माइक्रोवेव सेफ ही होता है, होता हल्का सा स्टील ही है, लेकिन इसकी जो पॉलिश है वो एक तरह की होती है, नाम इस समय मुझे कन्फर्म नहीं है, जो कि एक पॉलिश होती है वो माइक्रोवेव सेफ होती है, उसमें चल सकता है। अगर बाय द वे कभी इसकी पॉलिश उतर जाएगी तो ये उसमें वो करने लगेगा, ठीक है, स्पार्क करने लगेगा। ठीक है, आपको वो चेंज करना पड़ेगा ये। ठीक, और ये माइक्रोवेव मोड में यूज नहीं होगा, जैसे कि आपने यहाँ से माइक्रो मोड चला रहे हैं तो ये माइक्रो मोड में यूज नहीं होना। ठीक है, ये ग्रिल में कर सकते हैं, कन्वेक्शन में कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये माइक्रो मोड में यूज नहीं कर सकते।
इसी तरह से वो वाला भी है, वो वाला भी आप माइक्रो मोड में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो कन्वेक्शन के लिए होता है, ज्यादातर कन्वेक्शन में उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक। तो हम लोग जैसे कि मान लीजिए मॉर्निंग में ब्रेड ब्राउन करते हैं, ठीक है, या ब्रेड को हल्का सा सेकना है, या फिर टिक्की टिक्का पनीर टिक्का बहुत सी चीजें होती है, तो उसको अगर हम लोग को सेकना है या हल्का सा भूनना है, कुरकुरा करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर हम मेटल ट्रे भी रख सकते हैं। एक मार्केट में आती है मेटल ट्रे, माइक्रोवेव सेफ होती है, नाम उसका मेटल ट्रे ही होता है, बट वो माइक्रोवेव सेफ होती है, इसके ऊपर हम उसको रख सकते हैं, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और उसके अंदर हम मटेरियल रख सकते हैं, ठीक। मान लीजिए इसके ऊपर हमने ब्रेड लगा दिए और ब्रेड में वो चीज लगा दिया जो हमको पसंद है, जैसे कि ऑयल बटर या घी कुछ, ठीक है, और इस पे पीसेस के हमने रख दिया। फिर उसके बाद इसको इस तरह से ऐसे यहाँ रख देंगे, जैसे ही हम ग्रिल का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले पे लिख किया जाता है ग्रिल, ठीक है। अगर हमको थोड़ी देर के लिए ब्राउन करना है, ब्रेड ब्रेड ब्राउन करना है, तो उसके लिए एक मिनट बहुत है, वन साइड ब्राउनिंग ही होती है। अगर हमको टू साइड चाहिए तो हमको उसको मटेरियल को पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम टाइम सेलेक्ट करेंगे कितने सेकंड के लिए, कितने मिनट के लिए हमको उसको चलाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मिनट है, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे तो ग्रिल में वो काम करेगा, ठीक। अब माइक्रो और ग्रिल समझ में आ गया हमारे, माइक्रो मतलब कुकिंग, रीहीटिंग और बॉइलिंग, और ग्रिल में क्रिस्पी या ब्राउनिंग, ठीक है। अगर हमको ये दोनों एक साथ चलाने होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। जो कोई भी ऐसी चीज जो कुकिंग मतलब पकानी भी है अंदर से और ऊपर से हल्का सा ब्राउन भी करनी है या क्रिस्पी भी करनी है, तो उसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। तो रोस्टिंग के लिए हमको पहले कॉम्बिनेशन का बटन दबाना पड़ेगा, उसके लिए फिर ग्रिल क्योंकि हल्का सा ऊपर से क्रिस्पी भी चाहते हैं, और फिर माइक्रो यानी कि कितना अंदर पकाना है, ठीक है। ये दोनों मोड ऑपरेट होंगे, ग्रिल और माइक्रो एक साथ चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 180 डिग्री, ये 180 डिग्री नहीं है, ये 180 पावर लेवल है, ठीक है, यानी कि वोल्टेज जो हमने आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमको अंदर से ज्यादा पकाना है तो हम इसके पावर लेवल को यानी कि वॉट को बढ़ा लेंगे, तो अंदर से ज्यादा पकेगा। कोई ऐसी चीज जो अंदर से ज्यादा पकानी होती है तो हम उसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से टाइम डालेंगे और देन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक ठीक। इस तो इसमें रोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं कन्वेक्शन की तरफ। जैसे ही कन्वेक्शन का बटन दबाते हैं तो 180 डिग्री, ठीक। कन्वेक्शन में हम क्या करते हैं, बेकिंग, ठीक है। बेकिंग में हम केक बना सकते हैं, पिज्जा बना सकते हैं, ठीक है, और बिस्किट्स या नान खटाई वगैरह भी बना सकते हैं, जो बेकरी का आइटम है। यहाँ पर लिख के आता है 180 डिग्री। बेकिंग करने का जो मेन प्रोसेस है वो बिना प्री हीट के नहीं कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है, प्री हीट करके ही बेकिंग कर सकते हैं, इसके अलावा बेकिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 180 डिग्री लिख के आ गया, डिफॉल्ट जो होता है वो 180 डिग्री होता है। मान लीजिए अगर आपने कोई यूट्यूब से रेसिपी वगैरह देखेंगे तो वो भी 180 डिग्री पर ही प्रीहीट करने के लिए बोलेंगे। बाय द वे अगर वो ऊपर या नीचे की बेकिंग करते हैं तो वो आपको डिग्री सेल्सियस बताएंगे, तो आप यहाँ माइनस और प्लस से इसको मोर और लेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने बताया कि 180 डिग्री के ऊपर की बेकिंग करनी है तो हमको प्लस कर लेना है, और उन्होंने बताया कि 180 डिग्री के नीचे की बेकिंग करनी है तो हम यहाँ से माइनस कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कन्वेक्शन का बटन दबा के जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो प्री हीट मोड पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। फिर से देखिएगा, कन्वेक्शन देन स्टार्ट, तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिक प्री हीट मोड पे चला जाएगा, डिग्री सेल्सियस सेलेक्ट करके कर रहा है प्री हीट। डिस्प्ले पर भी PRH लिख के आ जाएगा। प्री हीट का एक प्रोग्राम होता है 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट 15 मिनट जितना भी लगे, ठीक है। तो प्री हीट के लिए इसको लगभग कितनी देर तक प्री हीट करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक टाइमिंग लेता है। अच्छा, ऑटोमेटेड सिस्टम है। जैसे ही प्री हीट हो जाएगा तो यहाँ पे 180 डिग्री सेल्सियस ब्लिंक करने लगेगा, शो करने लगेगा, ठीक है, ब्लिंक करने लगेगा। मान लीजिए 180 पे किया तो 180 ब्लिंक करेगा, 170 पे किया या 190 पे किया तो ब्लिंक करने लगेगा। सपोज दैट आपको पिज्जा बनाना है तो आपने क्या किया, पहले प्री हीट कर लिया, बेस आपके पास है मार्केट से, आप ले आए बेस, फिर उसके ऊपर हमने टॉपिंग्स वगैरह जो भी डालना है डाल दिया, ठीक है, और उसको इस पे रख लेंगे हम हाई रैक पे, ठीक है। 180 डिग्री के बाद बेकिंग करने के बाद वो पिज्जा इस पे रख देंगे, देन इसके बाद इसको इसके अंदर रख के और 8 से 9 मिनट का टाइम लगाएंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो पिज्जा बन जाएगा, ठीक है। तो बेकिंग करने के लिए हमारा कन्वेक्शन मोड जरूरी है, ठीक है, ठीक ठीक।
ये चार मोड हो गए। इसके अलावा कुछ ऑटो मेनू होते हैं जो यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि लो कैलोरी है, तंदूर से है, किड्स डिलाइट है, तो ये हमारे ऑटोकॉक मेनू होते हैं। ऑटोकॉक मेनू का मतलब ये होता है कि माइक्रोवेव में हमको वेट करके लिखना होता है, कुछ भी सब्जी का वजन करके रखना होता है, ठीक है। माइक्रोवेव टाइमिंग और मोड खुद से सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके लिए हमको इस मैनुअल की जरूरत पड़ेगी, इसके बिना हम नहीं बता पाएंगे या नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सी रेसिपी कौन से मोड पे बननी है। यहां से ऑटोकॉक मेनू शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है लो कैलोरी, ठीक है। तो जैसे ही हमने लो कैलोरी का बटन दबाया तो यहाँ पे HP1 लिख के आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे कोड लिखा हुआ है HP1, इसके सामने रेसिपी लिखी हुई है काला चना, इसके सामने वेट लिमिट लिखी हुई है कितने ग्राम से कितने ग्राम तक बना सकते हैं, यानी कि हम 100 ग्राम से 500 ग्राम तक काला चना इसके अंदर बना सकते हैं। उसके नीचे देखिए ये लिखा हुआ है यूटेंसिल, मतलब कौन सा बर्तन इसके अंदर यूज करना है, ठीक है, माइक्रोवेव सेफ बाउल यूज करना है। उसके अलावा इस इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि कितनी रेसिपी के लिए कितना कितना क्या क्या रेसिपी चाहिए, 100 ग्राम के लिए इतना है, 200 ग्राम के लिए इतना है, 500 ग्राम के लिए इतना है, ठीक है। मेथड हम आपको बता देते हैं। तो जैसे ही हमने ये सारी सेलेक्ट करी, मान लीजिए हमको काला चना बनाना, तो हमने यहाँ पे HP1 दबा के सेलेक्ट कर दिया, कोड पंच हो गया। अब यहाँ से मोर और लेस से हम इसको वेट देंगे, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। सपोज दैट हमने 500 ग्राम काला चना इसके अंदर बनने के लिए रखा हुआ है, देन स्टार्ट। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए इसने ऑटोमेटिक 29 मिनट का टाइम ले लिया और माइक्रो मोड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये पहले से इसके अंदर डिफॉल्ट सेटिंग भी कर रखी हुई है, जितने जितना भी इसके अंदर मटेरियल आप रखेंगे उतने टाइमिंग में और उतने मोड पे ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसी तरह से ये सारे ऑटोकॉक मेनू चलेंगे, एक बटन में कई सारी रेसिपी दी हुई है, इसको दबाते रहेंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको सारे कोड मिलते रहेंगे और रेसिपी इसमें लिखी हुई है, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ HP2, उसमें लिखा हुआ करेला सब्जी, ठीक है, इसके सामने वेट लिमिट लिखी हुई है ओनली 0.3 kg, 300 ग्राम, मतलब 300 ग्राम, तो ना तो इससे नीचे बनेगी और ना ही इससे ऊपर बनेगी, ठीक है। इसमें तो आपको मोर और लेस से वेट सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे ही आपने HP2 दबाया सीदा स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक टाइम, ठीक है। बस इतना ही माइक्रोवेव बस, और कुछ नहीं।